ऐसे कैलकुलेट होगा वेटेड मीन, सिंपल सा फॉर्मूला। अभी मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये था फॉर्मूला। अब वेटेड मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस एक हर एक आइटम को, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नहीं सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट्स। ध्यान से देखना, ये है फॉर्मूला, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स इज द प्रोडक्ट, डब्ल्यू वेट, एक्स आपकी वैल्यू, आइटम की वैल्यू, डब्ल्यू इंटू एक्स वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह सम ऑफ वेट्स। ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, आप सम ऑफ वेट्स। इन कैलकुलेटिंग द वेटेड मीन, ईच आइटम ऑफ द सीरीज विल बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इज टोटल, द टोटल विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स सिग्मा डब्ल्यू। ध्यान से देखेंगे, पहले डिनोट द वेरिएबल्स अंडर ऑब्जर्वेशन एज एक्स एंड द वेट्स एज डब्ल्यू, तो एक प्रोडक्ट निकालेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स, और फॉर्मूला है सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन से ही करेंगे। हमें क्या गिवन है, सब्जेक्ट्स गिवन है इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, ये मार्क्स गिवन है। अब उन्होंने बोला वेट्स असाइन कर दो, फाइंड द वेटेड मीन इफ द वेट्स आर 2, 1, 2, 3, 4। उन्होंने दिए वेट्स, क्वेश्चन बताएगा वेट्स, क्वेश्चन बताएगा वेट्स। अब ध्यान से सुनना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर हमें 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे होते एक कंपनी के चार, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट, ये तो अभी कर ही दूंगा बट मैं कह रहा हूँ कि अभी एक चीज दिमाग में आई तो रहना जाए। 4 साल के ना कंपनी के प्रॉफिट्स दे रखे थे, क्या दे रखे थे, 4 साल के प्रॉफिट्स। उन्होंने बोला उसके एवरेज निकाल दो, 4 साल की वेटेड एवरेज निकाल दो, क्या निकाल दो, वेटेड एवरेज निकाल दो। वो वेट्स नहीं दिए, वेटेड एवरेज निकाल दो 4 साल के प्रॉफिट्स की, वेट्स नहीं दिए। कोई कुछ नहीं, कोविड-19 भूल जाओ, नॉर्मल क्वेश्चन, 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 1920, 2021, 22, 23, 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ईयर 1, 2, 3, 4, लेटेस्ट -4, ठीक है जी। और बोल रहे वेटेड एवरेज निकाल दो, तो आप कह रहे वेट्स ना अपने आप असाइन करो, तो आप वन, वन मतलब लोएस्ट वेट या हाईएस्ट वेट, नंबर वन लोएस्ट वेट, चार भाई, 1, 2, 3, 4 में चार वेट सबसे ज्यादा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने नहीं बताया कि किसको कितना वेट दें, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलेवेंट लेटेस्ट ईयर माना जाएगा या सबसे पुराना माना जाएगा, लेटेस्ट कौन से प्रॉफिट सबसे ज्यादा रेलेवेंट होंगे, सबसे पुराने या सबसे लेटेस्ट, लेटेस्ट। तो जब भी ऐसी कोई चीज हो ना, कंपनी के प्रॉफिट्स की बात हो, किसी की परफॉर्मेंस की बात हो, तो उसकी जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। अरे 4 साल पहले आप किस स्पीड पे भागते थे, उसका क्या करूं मैं, आप बताओ आपकी स्पीड क्या है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसी कंपनी के प्रॉफिट्स, आप एक कंपनी टेक ओवर करना चाहते थे, उसके एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट क्या है, अभी लेटेस्ट प्रॉफिट बताओ भाई साहब। 4 साल पहले हमने 100 करोड़ का टर्नओवर किया था, पिछली बार 20 करोड़ था, तो मतलब हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड वो नहीं रही, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि वेट्स कैसे असाइन करोगे अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेटेस्ट को हाईएस्ट वेट। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो आप पे छोड़ दें कि आप वेट्स असाइन करो, नॉर्मली उन्होंने दे रखे होंगे, बट बता दिया आपको कि क्या लॉजिक रहता है, लेटेस्ट हाईएस्ट। चल ये तो आसान है, कर भी दो ना सर, आसान आसान कर जा रहे हो। चल 70, 85, 90, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, वेट्स क्या है, 2, 1, 2, 3, 4, कोई डाउट, डब्ल्यू एक्स प्रोडक्ट 17 × 2 140, 85 × 1 85, 19 × 2 180, 8 3 ज़ा 240, 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, सिग्मा डब्ल्यू एक्स 140, 225,
प्लस 180 प्लस 5 620 1025। और वेटेड मीन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे सबस्क्रिप्ट में डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू भी लिख देते हैं, 4 3 7 9 10 12, 4 3 7 9 10 हो 4 3 7, हाँ ठीक है 9 10 12 आने का, इसमें भी 1025 डिवाइडेड बाय 12, 85.416 विच इज इक्वल टू 85.4। इतना सा है, इजी है, इजी रहने देंगे। बट मैं कह रहा हूँ ना कि न्यूमेरिकली तो बहुत इजी है, आपको उसका लॉजिक भी अंडरस्टैंड करना है कि वेट्स किस बेसिस पे असाइन करे जाते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट वेटेड मीन का। अब क्वेश्चन करेंगे ठीक है ना, ताकि क्लोज करें साथ के साथ। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हमने संडे को भी करे थे, 5 5 10 10 मिनट के कॉन्सेप्ट, करेक्टेड मीन, कंबाइंड मीन, मिसिंग वैल्यू, सब 5 5 10 10 मिनट के ही थे। बट ऐसे ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, मतलब नॉर्मल अरिथमेटिक मीन से थोड़ा सा हट के तो कर रखे हैं, तो ही एग्जाम में हम टाइम से कर पाएंगे स्पीड में।